स्टाफ जी डॉक्टर साहब, कुछ पता चला पेशेंट के घर वालों को? जी नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो पेशेंट सिर्फ एक दो दफा बुड़बुड़ाया है, कोई क्लियर बात नहीं की। ठीक, शमीम ये रैम्बो क्यों नहीं आया अभी तक? मैं मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं आया, दर्जनों टेलीफोन कर चुका हूं इसको, नवीद को रैम्बो के बारे में, और पता नहीं कितने ही टेलीफोन मुझे आ चुके हैं मुख्तलिफ कमरों से कि सफाई नहीं हुई है। जी गेस्ट हाउस काउंटर जी, शमीम साहब से बात करना चाहते हैं जी। आप इस तरह करें जी, 8 नंबर डायल कर लें जी। हेलो जी, अच्छा शमीम तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ जी, बोल रहा हूँ शमीम। ठीक है जी, मैं अभी भिजवा देता हूँ, आप फिक्र ना करें, अभी सफाई हो जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी। सलाम। क्या बात है? 5 नंबर कमरे में भी सफाई नहीं हुई। उफ खुदाया, तो तुम नवीद से कहो ना। अरे बाबा, कितनी दफा तो बताया कि नवीद को कितने ही टेलीफोन किए, नहीं मिल रहा है। फिर क्या, फिर मैं खुद ही जाके देखता हूँ, और कुछ भी नहीं। अच्छा तुम चलो, तो फिर मैं बाद में आ जाती। यार ये रैम्बो किधर चला गया मुराद? वो शमीम साहब 6 दफा फोन कर चुके हैं, 10 कमरों से कस्टमर के फोन आ चुके हैं, ये गायब कहाँ है अभी? बोलनवीद, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा मुझे बता के जाता है, वैसे हो तो नहीं सकता। मुराद जी, किधर है तुम्हारा जोड़ीदार? माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो। सर जी मुझे खुद पता नहीं जी, मुझे खुद पता नहीं, खुद पता नहीं, और तुम हमेशा उसकी नायलियों पर पर्दा डालते हो, और वो हमेशा तुम्हारी नायलियों पर पर्दा डालता है। सर मैं कसम खाता हूं जी, मैं कसम खाता हूं, और खाने को तो तुझे जहर भी मिल जाए ना तो तू टिप समझकर खा जाएगा। सर जी अब जहर इतनी सस्ती भी चीज नहीं कि जी इस तनख्वाह में खा सकूं जी। मैं जहर के बारे में नहीं, मैं रैम्बो के बारे में पूछ रहा हूं, हमेशा उसके पर्दापोशी करते हो। और नहीं सर, वो पर्दापोशी की बात नहीं है सर, ये सही कह रहा है जी, इसको वाकई पता नहीं है सर, आपके आने से पहले मैं रैम्बो के बारे में इससे पूछ रहा था। जी जी जी, इसको वाकई पता नहीं, और एक मासूम आप हैं, आपको भी कुछ पता नहीं है। जब भी मैं इन दोनों की चोरी पकड़ता हूं ना, तो हमेशा इन दोनों का साथ देते हो। सर ये आप इल्जाम लगा रहे हैं जी, मैं तो हमेशा हक का साथ देता हूँ जी। ओए, इसका नाम हक नहीं, इसका नाम मुराद है, और इसका नाम रैम्बो है, जो चला गया यहाँ सारा छोड़ छाड़ कर। अब वो आएगा ना सफाई करने के लिए, तो तुम कहोगे मैं हक का साथ देता हूँ, उसका नाम हक हो जाएगा। नहीं सर, अगर उसकी बात हक सच पर मबनी होगी तो फिर साथ तो उसी का देना पड़ेगा। हाँ सर, देखो मैं जानता हूँ तुम सब के सब एक हो। सर आपसे एक बात पूछूं जी? जी पूछिए। सर जी आजकल कोई बेगम साहबा के साथ कोई अनबन, मतलब क्या अनबन? मैं जरा उधर हूँ तो अनबन डिस्कस हो रही है, बेगम साहबा के साथ कोई अनबन तो नहीं? क्यों तुम यही चाहते हो? यही है? कितने तुम बदतमीज लोग हो, स्कैंडलेस माइंड। क्यों अनबन होगी मेरी उसके साथ? किस लिए? इतनी जिंदगी साथ गुजारी इसलिए, बाकी जिंदगी सास गुजारनी है इसलिए? कोई मैंने अलग जिंदगी गुजारनी है, उसने अलग जिंदगी तो नहीं गुजारनी कि अनबन हो? अनबन नहीं हो सकती यहां पे। अच्छा आओ शमीम, चाय बनाइए। छोड़ दे सोए। जी रिसेप्शन। हाँ जी हमें मालूम है जी, अभी आपके कमरों की सफाई हो जाएगी जी। जी सर, जी सर, हमें आपकी परेशानी का अंदाजा है सर। सर ठीक है सर, सर आप फिक्र ना करें सर, बिल्कुल मैं अभी कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बंदोबस्त करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि करें क्या। मुराद जी सर, तुम ऐसा करो मुराद के तुम अभी और इसी वक्त कोशिश करो कि किसी सफाई वाले का बंदोबस्त हो जाए। चलो कमाल करते तुम, वो पहले रैम्बो नहीं आया, सफाइयों का मसला पड़ा हुआ है कमरों की, अब इसको भेज दो रूम सर्विस से भी जाए। अरे भाई फिर क्या किया जाए? सर जी मैं कोशिश करता हूँ जी, सर मैं रैम्बो का काम भी संभाल लेता हूँ और अपना काम भी कर लूंगा। देखा देखा तुमने, ये अपनी डबल टिप खरी कर। नहीं सर जी ऐसी बात नहीं है जी, रैम्बो ने कभी अपने काम की टिप नहीं ली है जी,
तो मैं भी उसके काम की टिप नहीं लूंगा सर। वेल डन, शाबाश। तुम्हारे ख्याल है मुराद तुम ये दोनों काम कर लोगे? सर कोशिश करना है ना जी, अब होना ना होना ये तो बात की बात है ना जी। शाबाश, तुम कोशिश करके देख लो। थैंक यू सर। सर रैम्बो का काम तो मुराद कर लेगा, लेकिन मुराद का काम कौन करेगा सर? भाई वो दोनों काम कर लेगा ना। और नहीं सर, उसने कह तो दिया होगा, लेकिन आप खुद सोचें सर, ये मतलब वो भी फुल टाइम जॉब है, ये भी फुल टाइम जॉब है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आज सर वो एक कस्टमर आया है, जरा अटेंड कर लीजिए। हेलो स्वीटी। हाँ आइए सर। माय नेम इज चांद चांद। हाँ जी मुझे पता है मिस्टर। हाँ जी मिस्टर चांद चांद, फरमाइए सर क्या हुक्म है जी? कमरा मिल जाएगा? हाँ सर कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन सफाई परफेक्ट नहीं होगी जी। आई डोंट माइंड, घर के काफी काम मैं खुद कर लेता हूँ, अगर कोई काम रह गया तो शायद आपकी जरूरत पड़े। वो तो ठीक है जी, लेकिन हो सकता है मैं फिर भी आपके काम ना आ सकूं जी। ये तो वक्त आने पर देखा जाए। ये आपकी चाबी। हाँ सुनो, एक साहब आएंगे टू वेरी फ्रैंक भी, वो मेरा पूछेंगे तो बता दीजिएगा। अच्छी बात है जी, थैंक यू। बेगम मुझे यूं लगता है जैसे रैम्बो आज नहीं आएगा। शमीम तुम ठीक कहते हो, मुझे भी लगता है कि रैम्बो नहीं आएगा, उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। और हाँ यूं भी लगता है कि जैसे मुराद जो है वो अकेले सारे कमरों की जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकता। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, जरा खुल के कहो। भाई मेरा ख्याल ये है कि इस सूरत हाल को पेश नजर हमें तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि मुराद की नाकामी के बाद मुझे, तुम्हें या हम दोनों को रैम्बो का काम संभालना पड़े। हमें दोनों को? हाँ मैं नहीं कर सकती ये काम, तुम्हें करना है तो तुम करो। तुम क्यों नहीं कर सकती? अब मुझसे नहीं होता ये घटिया काम। लो बताओ भला, मैंने तुमसे इसलिए तो शादी नहीं की थी ना कि मैं गेस्ट हाउस के बाथरूम साफ करती फिरूं। देखो 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 बेगम मेरी बात सुनो, अगर हम अपने घर में होते और हमारे पास कोई मुलाजिम ना होता तो क्या हम अपने घर की सफाई ना करते? देखो घर और गेस्ट हाउस में फर्क होता है ना। देखो मेरी बात सुनो, गेस्ट हाउस भी हमारा है और घर भी हमारा, तुम क्या अपनी जायदाद को टूटते फूटते या गंदा होते हुए देख सकती हो? ओए होए 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 शमीम, ये इस कदर दबीस डायलॉग बोल के तुम मुझे मेरे जमीर की अदालत में शर्मिंदा करने की कोशिश तो ना करो ना। ये तो गलत बात है ना कि तुम अपने आप को तो बहुत अजीम तर और मुझे बहुत ही घटिया साबित कर दो। ठीक है तुम काम करो, अगर तुमसे ना हो सका तो देखेंगे, तुम्हारी मदद भी कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, आज वाकई वो काउंटर का फोन बहुत बिजी रहा है जी। जी इसमें मेरा क्या कसूर है जी, आज हमारा सफाई करने वाला आया ही नहीं है। लेकिन मैं मुराद को भेज दूंगा, वो आकर आपकी सफाई कर देगा। नहीं मैं मतलब सर आपके कमरे की सफाई कर देगा जी। अच्छी बात है जी। जी सर। हाँ वो कल से आपके गेस्ट हाउस में मेरा कमरा बुक है। आपका नाम? डायरेक्टर जनरल एस ए खान। अच्छा हाँ जी आपका कमरा बुक है सर। आपका सामान सर? सामान? मेरा सामान? हाँ वो मेरा सामान वो बाहर पड़ा है, किसी कारिंदे को भेजकर मंगवा लीजिए। अच्छी बात है जी, मैं अभी मंगवा रहा हूँ। मुराद मुराद आपकी सफाई तो हो चुकी, ये रही जी आपकी चाय टी आई पी चाय। खैर आज तो जिंदगी में हक हलाल की टी आई पी चाय। हेलो जी। जी हाँ जी यही है। थैंक यू। आपका नाम मुराद है जी? आपको काउंटर पर बुलाया, फौरन पहुंची। सर ये आपके कमरे की चाबी जी, आप कमरे में पहुंचे आपका सामान वहीं पहुंच जाएगा जी। चाबी? अच्छा हाँ कमरे कमरे की चाबी जी। सुनिए वो मुझे एक बात कहनी है आपको, गौर से सुन लीजिए आप। जी सर। मैं जरा सफाई पसंद हूं और मुझे रूम सर्विस भी बार बार जरूरत होती है। हाँ जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मुराद जी सर। हाँ जी सर। आपका सामान बाहर पड़ा है, बाहर से ले आओ। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ जी सीढ़ियां चढ़ के जी। अच्छा
बेगम मेरी बात सुनो, मैं काउंटर पे जा रहा हूँ ताकि नवीद की कुछ मदद हो सके, तो ऐसा करना तुम यही रहना और टेलीफोन अटेंड करती रहना। ये हुक्म है? अरे नहीं बाबा, हुक्म नहीं, ये सिर्फ दरखास्त है, और अगर मेरी दरखास्त नहीं भी मानोगी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। है? हाँ? ये तुम कह रहे? हाँ, क्यों? तुम इतने अच्छे कब से हो गए? अरे ऐसी ही बात मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा था। चलो, इससे पहले कि हम दोनों अपने असली असली रूप में आए, बेहतर यही है कि तुम काउंटर पे चले जाओ और मैं फोन सुन ले। मैं सलाम कर सकता हूँ भवनवीत? और ये जनाब शायद काशी साहब, टू वेरी फ्रैंक भी, मैंने पहचान लिया जी आपको। पहचानना क्यों नहीं था यार, 100% पहचान लिया कि मैं शायद काशी हूँ। और मैं कहता हूँ दोनों कि ये मशहूर लोग छुप नहीं सकते। वाकई जी मशहूर साहब, आप आज किस चक्कर में आना हुआ जी? ओ यार, कमरा मिल जाएगा? वो आपकी तरफ पिछले 50 रुपए। यार इस दफा मैं सारा हिसाब तुम्हारा विवाह कर दूंगा। वो मिस्टर चांद चांद पहुंच चुका है ना यहाँ पे? हाँ जी पहुंच गया। बस तुम्हारा हिसाब मैं सारा विवाह कर दूंगा। वो बड़ी जबरदस्त पार्टी में घेर की लाया हूँ। ड्रामे की है या फिल्म की? ओ यार, ड्रामे की हो या फिल्म की, यार तुम बस दुआ करो, 35 साल से इस पार्टी के पीछे लगा हुआ हूँ। 35 साल से? इसका मतलब है कि 10-15 साल बाद तो फिर दी एंड ही है। बस दुआ करो यार कि ये पार्टी जो है ना फिल्म बढ़ाए, मैंने रेम्बो को भी काम देना है इसमें। अच्छी बात है जी। मैं आपका सामान किधर है? यार फिनकारों का कौन सा सामान होता है, वो पार्टी का कुछ अलबत्ता सामान है, वो गेट पर है, किसी को भेज कर मंगवा ले। अच्छी बात है जी। मुराद जी सर। और यार शायद काजी साहब का सामान पड़ा हुआ है, बाहर लेके आओ। अभी लेके आ लूंगी जी। जिंदा है ये नवी, ये मुराद को क्या हो गया? तो मुराद मुराद ही नहीं लग रहा। काश कि हम सब ऐसे ही हो जाए। जी मुझसे कुछ खा आपने? आप फिक्र ना करें, आप हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी जी मैं शमीम बोल रहा हूं। जी जी क्या रेम्बो का एक्सीडेंट? तो कस्टमर पे कस्टमर ही चला आ रहा है। जी फरमाइए सर। मेरे को कमरा मिलेगा नहीं? हाँ जी कमरा तो मिल जाएगा। आपका नाम? जफर बोरी वाले ने। बोरी कहाँ है जी? मेरा बोरी ने बेचते टैक्सी वाले ने गेस्ट हाउस के बाहर उतारा है, अपना आदमी भेजो मंगवा लो। अच्छी बात है जी। मुराद 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 जी, जी। साहब का सामान 8 नंबर कमरे में पहुंचाओ, बाहर पड़ा है। सर आप अपना सामान खुद लेके अंदर आ जाते हैं? जफर बोरी वाला अपना सामान खुद उठाएगा नहीं तो तेरी गेस्ट हाउस में जरूरत क्या रह जाती? नहीं रह जाती जी, रह जाती। आप अपना सामान अंदर ले आते, हम ये बोरी उठा के बाहर ले जाते। बातें कम कर, बातें कम कर, काम ज्यादा। अभी तू जा, मेरा सामान ने उठा के अंदर लेके आ। अच्छा जी मैं अभी गया जी। मैं सोच रही थी कि रेम्बो के पास कौन जाएगा। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर सब लोग इंतहाई मसरूफ हैं। देखो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, सोचते हैं कुछ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोल रहा हूँ मैं जी। जी 12 नंबर नोट कर लिया जी। देखिए आपकी परेशानी का हमें अंदाजा है, प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू। सर मैंने आपको बताया है कि आज सारा काम जो है वो मुराद ही करेगा। ये बुला के थे आ गई है।
सर आपकी ट्रांसफर नहीं हो गई थी? बल्लो आई एम वंस अगेन कम बैक एस सच एफ डिवीजन आजकल हूं तेरा की ना बल्लो आजकल वहीद वहीद नहीं जी नवीद अब मुझे पता मैं कोई बच्चा नहीं हूं बाबू नवीद दरअसल बात यह है कि नवीद का नून पहले होता है वहीद का वाव पहले होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ जी अगर आपका हुक्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे अगर बंदा पढ़ा लिखा हो तो दोनों नामों में काफी फर्क है जी और तुम्हारा क्या मतलब है हैं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं बेवकूफ आदमी ग्रेड 16 में से 17 में प्रमोट होने वाला हूं और तुम्हारा कहना क्या मतलब है कि पुलिस अफसरान अनपढ़ जाहिल होते हैं मेरी क्या मजा रहा जी जो मैं ये कह सकूं अब बाबू नवीद और इन प्यारी प्यारी बातों की वजह से तुम मुझे अच्छे लगते हो शरीर बात यह है मुझे एक बेहतरीन VIP किस्म का सोफ्टिकेटेड कमरा चाहिए दरअसल मैं नया वापस आया हूं ना तो मैं कमरा किराए पे मकानश कहां ढूंढ रहा हूं तो ऐसा है कि मुझे बेहतरीन सा कमरा दे दो और 7 कोल्ड ड्रिंक कमरे में भेज दो वैसे मेरा लकी नंबर 7 है अगर 7 नंबर का कमरा मिल जाए तो क्या कहने अभी करते हैं जी बंदोबस्त मुराद मुराद जी सर सर जी आपका नाम तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है जी इसका मतलब है आपको अंग्रेजी आती है सर जी TIP का क्या मतलब होता है जी मतलब हमें इसका मतलब नहीं पता होगा तो और किसका पता होगा और TIP का मतलब है तप्पा एक पाओ हाँ मुझे कमरा दिखाओ हाँ सर वाजी सिस्टर जी हाँ जी आपने गेस्ट हाउस में इतला दे दी थी ना जी हाँ मैंने उनको बता दिया था मुझसे मिलने कोई नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं आया कहीं वो मुझसे खफा तो नहीं हो गए भाई मुझे तो मालूम नहीं वाजी सिस्टर जी मैंने ना मैंने एक दफा शमीम साहब से ना उल्टी सीधी बात कर दी थी देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं आप ऐसी बातें ना सोचें आपको आराम की जरूरत है आप आराम करें वो लोग आ जाएंगे नहीं बाजी सिस्टर जी सोचना तो पड़ता है ना जी दो टके का बहरा और उसने इतने बड़े हीरो के थप्पड़ दे मारा कहीं सुना इस किस्म की बात तो वो हीरो भी तो बदतमीजी कर रहा था करता सर वो भी बदतमीजी नहीं सर जी मैं तो बीच में बच बचा कर आ रहा था जी अच्छा तू बच बचा कर आ रहा था मैं अभी तेरा लैला लैला नहीं है डॉग नंबर जो भी है समझ रहा हूं तुम सारे पैसे उसके मुंह पे दोनों के मुंह पे दे के मारो और निकल जाओ इसी बात और तू मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा तो खून कर दूं चल यहां से मर तू और तू और तू यार गरीब की भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है यार यार पता नहीं उस कमबख्त ने शमीम साहब से क्या कह दिया था यार यानी किसी ने गरीब की बात ही नहीं सुनी यार यार मुराद लगता है हम सारी उम्र गरीब रहेंगे हम कभी अमीर नहीं होंगे हम या हमारे बच्चे उनके बच्चों के बच्चे इसी तरह लोगों के घरों में सफाइयां करते रहेंगे लोगों का जूठा खाना खाते रहेंगे इसे लिटा दो मुराद तुम तो ठीक तो हो ना बिल्कुल पता नहीं जी आप फिक्र ना करें मैं सब संभाल लूंगा पागल ऐसे ही संभाल लूंगा कैसे संभालोगे ये भाग भाग किसने अपना ये हाल कर लिया चलो शाबाश थोड़ी देर आराम करो मैं आराम करूंगा तो फिर गेस्ट हाउस को कौन देखेगा जी हो जाएगा गेस्ट हाउस का काम हो जाएगा तुम क्यों फिक्र के तो नवीद इसे ऊपर उठाओ शाबाश तुम इसे काउंटर पे ले चलो अच्छा सर इस तरह कर लेते हैं जी ये काउंटर का काम संभाले सर और मैं इसकी जगह काम नहीं 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 ठीक है तुम काउंटर पे ठीक हो तुम इसको काउंटर पे ले जाओ शाबाश ले जाओ मैं आज से कमरों की देखभाल करूंगा तुम सीरियस हो हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और तुम्हें भी सीरियस होना पड़ेगा ठीक है किसी के काम आना तो अच्छी बात है हेलो स्वीटी माय नेम इज चांद चांद देखो मैंने बहुत सारा काम तो खुद ही कर लिया है बस थोड़ा सा काम रह गया प्लीज किसी को भेज दो ना अच्छा मिस्टर चांद चांद मैं किसी को भेजता हूँ जी
देखें मेरा ये सुबह से 11वां फोन है, आप मेरे कमरे में किसी सफाई वाले को फौरन भेजे। मैं अभी भेजता हूँ जी। जी हेलो यार, मैं तेरे को बोलता हूँ सफाई वाला भेज। उठो इसी वक्त सारे इकट्ठे, अभी भेजता हूँ जनाब। यार क्या करे भाई, नरल पुल ते बुला के अरे माही। मेरी धजियां भी खेरोगे? बच्चे पहले अपनी धजियां तो कट्ठी कर लो। गली में फेंक करो। इसने अभी काटा तो नहीं है? शराब। अच्छा चुप है, चुप। पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है। चलो क्या हुआ है? क्या हो गया सर जी? सर जी मुझे तो ये कोई भूत होगा, शहर लगता है जी। सर जी ना कोई चूल्हा, ना कोई पिंग, ना कोई चूटे। सर जी ये कैसी पिकनिक है जी, कहाँ ले आए आप? ओए कूड़ वक्त कहीं के जी। ओके ये मेला या पार्क नहीं है जी। ओए ये और किस्म की जगह है। सुनो, ओ, मैंने कहा सुनो, कितने पैसे मिल जाते हैं तुम्हें इस काम के यहां पर? क्यों? मेरा मतलब था कि कहीं इससे ज्यादा पैसे दिलवा सकता हूं तुम्हें इसी काम के। जानते नहीं मुझे। माय नेम इज चांद चांद। मुराद आप कैसा महसूस कर रहे हो? बाउलमीज मैं अब ठीक हूं, लेकिन रेम्बो बहुत याद आ रहा है बाउलमीज। वो होता था तो ऐसे मसले नहीं होते थे, वो प्रॉब्लम में बाउलमीज कितना काम आता था। एक आम है कि उसे देखने भी नहीं जा सकते। पता नहीं यार वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। वो तो जो सोचता होगा बाउलमीज सोचता होगा, लेकिन बाउलमीज मुझे रेम्बो बहुत याद आ रहा है। डन डन टुडुरु। आप क्या करती हैं? मैंने अभी बीए का एग्जाम दिया है। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। दो तीन महीने पहले जॉब मिली है, दो साल तो बहुत ख्वार हुआ। अगर आप पहले मिलते तो मैं अपने बाबा से कह के आपको जॉब जरूर दिलवाती। अच्छा तो आपके बाबा क्या काम करते? बस उनके ताल्लुकात ही इतने बड़े बड़े वजीरों से, बड़े बड़े अफसरों से। वो अपना खुद वजीर क्यों नहीं बनते? वो उनका सारे इलाके पे इतना रोब है, हर कोई तो उनसे डरता है। अब वो वोट मांगने थोड़ी हर एक के दरवाजे पे जाएंगे, वो उसूलों के भी सख्त पाबंद है। देखिए अगर उन्हें पता चल गया ना कि आप मेरे साथ यहाँ लॉन में बैठे हैं, तो पता नहीं वो क्या करें। वो कोई चौधरी हशमत अली तो नहीं? अरे उनसे भी बहुत ज्यादा। अरे ये झाड़ी यहाँ नहीं थी, फिर वहां थी और अब यहाँ है? ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं सर। ये गेस्ट हाउस है या चंडू खाना? चंडू नहीं नहीं, नहीं गेस्ट हाउस सर, गेस्ट हाउस। ओ सर माय नेम इज रेम्बो, रेम्बो सर, जॉन रेम्बो। किधर सर? वो मैं जो ना फर्स्ट ब्लड का एक सीन दे रहा था जी, वो इस क्या चिपस किस्म का मोटरसाइकिल है।
ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੰਭੋ ਜੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ सर जी चाब ओ जी चलो अभी उन्होंने मोड़ के ही आना खड़े खड़े कह के गिरे पानी 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 वही ना पानी है लैम्बो जा पानी दो जल्दी पी नहीं आता खा लो लैम्बो हाँ जी चल 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 सारे खत्म हो गए तो मैं सुनील साहब को क्या हाँ 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 क्या लालटेन किस्म की धूप है जीरा भी होती तो क्या बात थी हाँ हाँ सानू नहर वाले पुल ते हेलो रैम्बो चल चलिए दुनिया दे यमीन ये तुमने क्या सोची तुम रैम्बो के कपड़े पहन लिए मुझे जज रहे हो आज से मैं रैम्बो बनकर काम करूंगा आज से मैंने रैम्बो का काम संभाल लिया है बेगम वैसे मैंने ये देखा कि गेस्ट हाउस के सारे लोग एक जैसे सिर्फ काम मुख्तलिफ हैं इससे सारे कामों की अहमियत एक ही जितनी अच्छा वाह हेलो जी जी बहुत बेहतर चलिए चलिए रैम्बो छूनिए साहब कमरा नंबर 12 से कॉल आया है जाके उधर सफाई करो इस काम का अहमियत चल चलिए चलो 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 हाँ रैम्बो हाँ जी 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 बेगम साहब चलो मेरे साथ चलो अच्छा किधर जी भाई जिस नलके को हाथ लगाते पानी पता नहीं कहाँ से गिरता ये कोट किस किस्म का पहना हुआ तुमने आपको पहले बताया था ना जी बेगम साहब जी से छोड़े जी माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच के नहीं आई कैन ठीक था नलका जी फिक्र ही ना करें जी Thank you.
मुरादे यार तुम इस तरह करो 20 नंबर कमरे में जाके आराम कर लो। नहीं बाउनवीद, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त गेस्ट हाउस को मेरी जरूरत है। और यार इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम आराम कर लोगे तो गेस्ट हाउस के ज्यादा काम आओगे, और अगर तुम इसी तरह खड़े रहे ना और सामान उठाते रहे तो तुम भी बिस्तर पर पड़ जाओगे। आजी देखो मैं डायरेक्टर जनरल ऐसे खान बोल रहा हूँ। वो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो भाई मेरे कमरे में फौरन किसी सफाई वाले को भेजो। अच्छी बात है जी, बेहतर सर। जी सलाम अलैकुम बेगम साहब। हाँ, वालेकुम सलाम। वो खान साहब के कमरे में सफाई वाले की जरूरत है जी। तो शमीम तो किसी काम से गए हुए फिर? आप इस तरह करें जी, आप काउंटर पे आ जाए, मैं उनके कमरे में चला जाता हूँ जी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही। देखे ना बाजी जी, अभी तक मुझसे कोई नहीं मिलने आया। मैं कहता था ना सारे मुझसे नाराज है। प्लीज आप आराम करें। मेरी नीयत ऐसी तो नहीं थी, मुरादे को तकलीफ देना तो मेरा मकसद नहीं था। वो तो बाजी जी एक दफा यूं हुआ ना। ये तुम अंधे हो गए हो, ठोकरे खाए चले जा रहे हो और गाना भी गा रहे हो साथ में। बर्तन टूटे कभी कभी, मैं नहीं ईमान से जी वो रैम्बो। मत बकवास करो, रैम्बो कहाँ यहाँ पर, हर बात रैम्बो पर डाल देते हो काम चोर कहीं के। सर यकीन करें जी, मैं हकीकी तौर पे सच बोल रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ बकवास बिल्कुल मत करो, काम होता नहीं है, बर्तन थोड़े चले जा रहे हो, थोड़े चले जा रहे हो। लैला इसकी तनख्वाह में से फौरन बर्तनों के पैसे काट लो। सर ईमान से मेरी टोटल तनख्वाह ही इतनी है जी। मैं भी यहाँ कोई अफसर माल नहीं लगा हूं, कहां से पूरा करूंगा। लैला जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो। ये सिला दिया तुमने, ये सिला दिया है, ये जवाब है हमारी मेहरबानियों का। बेगम जी, बेगम साहब जी, हमने सच सच आपको बता दिया जी, अब आपकी मर्जी माने या माने। बेगम साहब जी मुझे तो ये गाड़ी का चक्कर लगता है जी। लाना था तुम पर, तुम्हें गाड़ी की पड़ी हुई है, रात से मेरा मियां घर नहीं आया। ठीक है बच्चू ठीक है, पुलिस आएगी ना वही तुमसे उगलवाएगी सब कुछ। पुलिस में? पुलिस को इत्तला कर दी? बेगम साहब जी हमारे खिलाफ पुलिस ही। देखा कितने मासूम बन रहे हैं, जैसे रोटी को चोची कहते हैं। और देखो अभी भी साफ साफ बता दो कहाँ गायब किया तुमने शमीम को, फिर पुलिस पूछेगी ना तो फिर मुझसे गिला मत करना। और ये नवीद किधर है? पता नहीं जी। हाय हाय अल्लाह शमीम, मुझसे मैंने कितनी बार तुमसे कहा शमीम ये क्या चीज पाली हुई है तुमने। दफा हो तू परे, मैं उससे कह रही हूं ये क्या चीज पाली हुई है। मुझे लगता है इसका ताल्लुक किसी अंडरग्राउंड ग्रोह से है, ग्रोह से है। बेगम साहब जी मैं ग्रोह से जी, ये सिला दिया आपने मुझे मेरी मफ्तों में जी, मेरी खिदमत में। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया कि आज शाम तक मुझे शमीम हर हाल में चाहिए, जिंदा या लानत है तुम पर। अल्लाह मैंने तो सारा घर देख लिया, सारी दुनिया देख ली, कहीं शमीम का कोई पता नहीं। मैंने डीप फ्रीजर देखा, मैंने फ्रिज देखा। डीप फ्रीजर में नहीं है जी, डीप फ्रीजर में नहीं है। सुनर पुलत बुला के क्या? देखो क्या आ गए तुम? देखो बेगम अब तुम्हारी बारी है, अब तुम सफाई करोगी। क्या देखो शमीम मैं कोई नहीं हूँ। मैं देखो कुछ नहीं, जब मैं सफाई कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती। 14 नंबर में तुम्हारी सख्त जरूरत है, उठो और चलो। नहीं शमीम तुम सीरियस हो? आई एम डैम सीरियस। देखो इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और जो इंसान दूसरे के काम आता है वो इंसान होता है। उठिए चलिए आइए। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं सफाई कर देती हूँ जाके, मुझे क्या है। इज्जत
ए, मेरी बात सुन, तू रूम सर्विस वाली है कि क्लीनिंग वाली? नहीं, मैं अंकल मालकिन हूँ यहाँ की। तेरे को तनख्वाह कितनी मिलती है? नहीं, मैंने एक दफा कह दिया था मैं मालकिन हूँ यहाँ की, तो फिर तनख्वाह की बात क्यों की? मजाक करते हो, खा के मारोगे सर के ऊपर। बस आ जाते कश्ती पहन के। क्या हो रहा थे? क्या हुआ? यमीर, वो अंदर ना तीन कॉकरोच बैठे हुए अजीब अजीब साजिशें कर रहे थे, मैं तो बस अंदर डरा रही। मैडम, तूने तो मेरे को मैडम किसको कहा तुमने? क्या हुआ? मर्दात हो गई है, जाए कुआ तो यही है। और हुआ क्या है? कि आप दफा करो, क्या हुआ तोड़े वाले? ओए ओए ओए, बोरी वाला बोल, जफर जफर। क्या हो गया, क्या हो गया? तुम भी कमाल करती हो, कॉकरोच कोई ऐसी चीज है जिससे डरने लगे और चीखे मारने शुरू कर दे। तो और क्या, कॉकरोच की कुछ चाट बना के खाते हैं। अरे तुम्हारे हाथ में वाइपर था, मार देती उससे। वाइपर से? वाह वाह वाह, बड़ा बड़ा तुमने मुझे बहादुर। मैं तो एक दफा कॉकरोच की शक्ल देख लूं तो मुझे तीन रातें नींद नहीं आती है। तुम, ये तो रैम्बो ही था ना जिसकी वजह से सारा गेस्ट हाउस चलता था। अब देखो सारा निजाम धर्म भरम है। कितना अच्छा था, अपने आप को कितनी बहादुरी से कॉकरोच किलर कहता था, है ना शमी? देखो एक दिन हुआ उसे यहाँ से गए हुए और मुझे कोई दिन में वो 100 दफा याद आया। लगता है उसे यहाँ से गए हुए 1 साल हो गया। ओ यार बावनवीर, और ना के रूम की सर्विस है और ना कोई सफाई वाला है। बड़ी मुश्किल से एक ड्रामे के लिए पार्टी बनसाई थी, वो भी भाग रही है। ओहो, शायद काजी साहब आप अपना यकीन पुख्ता रखें, पार्टी फिर फंस जाएगी। ओ यार, पार्टी के भाग जाने का कोई अफसोस नहीं है, अफसोस है तो सिर्फ ये है कि तुम्हारे 50 रुपये फिर मुझ पर और चढ़ जाएंगे। और इसका मतलब है कि 450 रुपये फिर देंगे आप? यार भवनवीर, यार तुम इल्मे नजूम ही जानते हो। हैं भवनवीर, मेरा आराम पूरा हो गया, मैं अब रंबे को देखने जा रहा हूँ, मुझसे अब नहीं रहा जाता, मैं शमीम साहब से बात करता हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। शाह साहब, आप अगर थोड़ी देर मेरी जगह खड़े हो जाए, हम जरा अभी आते हैं। मोस्ट वेलकम टू वेरी। यस, सर जी हम आपसे कुछ कहने आए हैं जी। हाँ बोलो। काउंटर पे कौन है? जी काउंटर पे शायद अकासी साहब को खड़ा किया है जी। हाँ जी, काउंटर किसी के हवाले करके आए? नहीं सर, सेफ को तो ताला लगा दिया है जी, और लेकिन सर बात यह है जी कि वो पहले तो हमें पता नहीं था जी कि रैम्बो कहाँ है, लेकिन जब से पता चला है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है सर, तो रहा नहीं जा रहा जी, बहुत मुश्किल है सर। सर देखना जी, हम इस गेस्ट हाउस में कितने दूसरे लोगों की खिदमतें करते हैं जी। आज हमारे एक साथी को हमारी खिदमत की जरूरत है और हम वहाँ जा ही नहीं सकते जी। यस, ओ मैंने अभी अभी न्यूज़ खबर सुनी है कि रैम्बो ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। ओहो, तो आप लोगों में से अभी तक कोई देखने नहीं गया उसे? वो रश बड़ा है ना जी गेस्ट हाउस में। तो ये तो प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप सब लोग बेफिक्र होके जाओ, आज के दिन के लिए तुम्हारा ये गेस्ट हाउस पुलिस की निगरानी में चला गया। सर इस पुलिस की वर्दी में से कितनी अच्छी आवाज आ रही है जी। अपना की ना तेरा भलो आजकल, खैर जो भी है दफा करो। बात यह है बावनवीर, बात इस वर्दी की नहीं होती, बात उस इंसान की होती है जो इस मोजस वर्दी के अंदर होता है, समझे? सर वो हम रैम्बो को मिलके जब आएंगे तो ये गेस्ट हाउस हमें वापस मिल जाएगा नहीं? हाँ तो मैं फिर जाऊं? हाँ जी, आप काउंटर पे पहुंचे जी। अच्छा, वहां जाके बैठ दूं रिसेप्शन पे? बैठना नहीं है, खड़े होने। कमरे लगे हैं। SHO एफ डिविजन, नहीं नहीं, वेलकम गेस्ट हाउस काउंटर, अस्सलाम वालेकुम। और नहीं, इधर कोई मुबशर लगना नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने सलाम की थी। वक्साम वक्साम, मैं आप मुअज्जिन की क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी यहाँ पे कोई नौकरी खाली है? मुझे नहीं पता है। आपको पता नहीं तो फिर इधर खलौते कार क्या रहे हो? अपना की नाम तेरा बल्लो आजकल? सलीम अफंदी। मुझे पता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। नहीं लेकिन क्रोध क्या कह रहा है? सलीम अफंदी। मुझे केड़े पास लगा रहे हो तुम? और तुम्हारा क्या मतलब है? और पुलिस अफसर रिसेप्शन पे खड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है। वैसे आपकी नौकरी का बता क्या? क्या मतलब है? और तुम इस तरह से यहाँ पे नौकरी कर लोगे? क्यों नहीं कर सकता? अगर आप कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। मैं भी कोई इतना इज्जतदार तो नहीं हूँ। देखे राजी, आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे जी। अच्छा वैसे तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? मैं आपके बड़ा काम आ सकता हूँ। अच्छा मेरे काम कैसे? मैं कपड़े खोता हूँ, मैं गौर कानू। अच्छा गो। और मैं कफन सीता हूँ जी। बात यह है बलोब के तुम्हें नौकरी शोकरी तो मैं दे नहीं सकता जी, वैसे थाने जैसा माहौल दे सकता हूँ। हाँ जी, ऐसे तो ना इधर थोड़ा सा ऐसे जी। सिस्टर जी, अब आप ना गेस्ट हाउस वालों को छोड़ें, आप ना मेरे घर इतला दे दें। वो मेरे एक्सीडेंट का सुन के ना फौरन आ जाएंगे, मेरी जीरा भी आएगी। मेरी जो माँ है ना अभी तक मुझे छोटा सा रैम्बो समझती है। एक गेस्ट हाउस वाले अब नहीं आएंगे, मुझे पता लगता है कोई आया है, अब नहीं आएंगे। गेस्ट हाउस वाले आ गए रैम्बो, हम अंदर आ जाए। शुईसा लेटर है, लेटर है। रैम्बो क्या हाल है तेरा? ठीक है ना? शुक्र है जान बच गई थी। मैं कहती थी मत चलांगे मारा कर तू इतनी ऊंची ऊंची, देखा तूने? धनी सा वो क्या हुआ रैम्बो? मुरादा नहीं आया? मुरादा भी है, मुरादा भी आया रैम्बो। मुराद क्यों नहीं आएगा यार? रैम्बो के बगैर मुराद तो मुकम्मल ही नहीं है मेरी जान। अब तो हर तरफ रैम्बो ही रैम्बो है। रैम्बो वो तू कैसे करता था? माय नेम इज रैम्बो। रैम्बो माय नेम।